पहले तो शिवसेना ने जमकर तोड़फोड़ की, पर जब कानून का डंडा पड़ा तो धकेल दिया कार्यकर्ताओं को आगे। लेकिन कानून ने हर जाने में कोई रियायत नहीं की। अंधेरी के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में तोड़फोड़ मामले में हाईकोर्ट ने शिवसेना नेता सीताराम दलवी को 7,80,000 जुर्माना भरने का आदेश दे दिया है। महाराष्ट्र में बने कानून के मुताबिक तोड़फोड़ करने वाली पार्टियों को अब हर्जाना भरना होगा। इस होटल पर फेंके गए एक एक पत्थर का हर्जाना अब शिवसेना के नेता सीताराम दलवी को खुद भरना पड़ेगा, क्योंकि सियासत ने अपना रंग बदल लिया है। कल तक शिवसेना नेता सीताराम दलवी हाईकोर्ट से करीब 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोके जाने पर रो रहे थे और कोर्ट और पार्टी से पूछ रहे थे कि वो जुर्माना क्यों भरे, जबकि आंदोलन तो पार्टी का था। लेकिन आज वो न सिर्फ जुर्माना भरने के लिए तैयार हैं, बल्कि पार्टी की तरफ अपनी वफादारी जताते भी नहीं थक रहे। जब पार्टी ने मुझे इतना भर भर के दिया तो अभी मुझे पार्टी के लिए ये भी डिपॉजिट करना है अमाउंट। 2 लाख तो ऑलरेडी डिपॉजिट किया था, 5,80,000 अभी डिपॉजिट करना है। वो मंडे तक का टाइम दिया है तो मंडे तक मैं डिपॉजिट कराऊंगा, तो पार्टी के लिए मेरे को करना ही है। दरअसल पिछले साल होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में शिवसेना ने कुछ लोगों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन अब महाराष्ट्र में ये कानून बन गया है कि जो पार्टी आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करेगी उसकी भरपाई भी वही पार्टी करेगी। इसके चलते कोर्ट ने शिवसेना पर होटल में तोड़फोड़ करने के लिए 7,80,000 रुपए जमा करने को कहा था। चूंकि ये होटल सीताराम दलवी की शाखा के तहत आता था, लिहाजा इस तोड़फोड़ की जिम्मेदारी उन्हीं पर आई और उन्हीं को जुर्माना भरने को कहा गया। गुरुवार को सीताराम दलवी के वकीलों ने इसकी जिम्मेदारी दलवी के अलावा दूसरे नेताओं पर भी निश्चित करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो पार्टी से ये पूछे। लेकिन एक दिन बाद ही दलवी के सुर बदल गए हैं। तो वो वर्कर लोग के लिए जब हम लोग किया तो आम पब्लिक के लिए भी हम लोग को करना पड़ेगा, तो आगे करना ही पड़ेगा, सवाल नहीं। ऐसा तो ये तो होते ही जाएगा। हाँ, इतने भी लाखों रुपए करोड़ों भरना पड़े तो पार्टी के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। जुर्माना भरने के लिए हाईकोर्ट ने दलवी को सोमवार शाम 5 बजे तक का समय दिया है। ये पैसे शहर के सबर्बन कलेक्टर के पास तब तक जमा रहेंगे जब तक इस पूरे मामले पर फैसला नहीं हो जाता। विद्या, मुंबई, आज तक।